सो पीआईवी इन 20 मिनट्स आर्टिकल को अपन आगे बढ़ाते हैं। और ये 28 जनवरी का न्यूज है। नेक्स्ट आर्टिकल है पीआईवी का, इंडिया ज्वाइंस द वर्ल्ड टू लाइट अप कुतुब मीनार एज ए साइन ऑफ यूनिटी टू कम्बैट नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एनटीडी। जब कभी किसी खुशी को मनाया जाता है तो जनरली लाइट अप किया जाता है। हमारे पास कैपिटल में लाइट अप करने के लिए दो जगह है, या तो कुतुब मीनार या तो इंडिया गेट। इंडिया गेट पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है सेंट्रल विस्टा का, तो बचा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की हाइट इंडिया गेट से कई टाइम ज्यादा है। लोग छत पर से अगर देखेंगे अपने घरों घर के छत पर से दिल्ली में, तो कुतुब मीनार का लाइटिंग पॉसिबिलिटी है कि आसपास तो जरूर दिखाई देगा। तो उसे लाइट किया गया था किस खुशी में, कि हम भी एकजुट हैं नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज को खत्म करने में। नाम है इसका एनटीडी। क्वेश्चन आ सकता है कि कुतुब मीनार लाइट अप किया गया था किस खुशी में, तो वी वेयर सेलिब्रेटिंग द एंडिंग ऑफ कमिटमेंट टू एंडिंग ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज एनटीडी। एनटीडी से रिलेटेड बाकी चीजें आप सर्च कर सकते हैं। कुतुब मीनार एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हर एक आदमी, पांच में से हर एक आदमी एनटीडी से अफेक्टेड है। और इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट एनटीडी अफेक्टेड पर्सन का घर है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। हर्षवर्धन एड्रेस द इवेंट ऑन रिस्टोरिंग क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अपने आप को बहुत ही इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन मानता है, और सच में ऐसा उसने माहौल बना दिया है कि वहां अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, यूएन के डायरेक्टर जनरल, सबके सब बोलने को बेताब रहते हैं। उन्हें बस एक मौका मिलना चाहिए एड्रेस करने के लिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक नेटवर्क है, नाम है उसका कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क। कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क के अंदर ऐसे कंट्रीज के बाउंड्री पे काम करता है ये, जहां पे मोबिलिटी पॉसिबल है लेकिन आपसी दुश्मनी के कारण मोबिलिटी नहीं हो पाता है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि वर्ल्ड कॉमन ट्रस्ट नेटवर्क किस ऑर्गेनाइजेशन ने और किस लिए चलाया हुआ है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक एजेंडा है, एक पॉलिसी है, जिसमें क्रॉस बॉर्डर मोबिलिटी पे फोकस किया जाता है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। केवीआईसी रिवाइव्स आसाम ओल्डेस्ट खादी इंस्टीट्यूशन वैंडलाइज्ड बाय बोडो इंसर्जेंट 30 ईयर अगो। एक तो बोडो इंसर्जेंट्स इंपॉर्टेंट है, 30 साल पहले याद होगा आपको आसाम एकॉर्ड के बाद जो हंगामा मचा था उसमें ये केवीआईसी, ये खादी के लिए लाइक एएसआई के जैसा काम करती है, जैसे वो हेरिटेज वगैरह को कंजर्व करते हैं। तो इन्होंने भी आसाम के ओल्डेस्ट खादी इंस्टीट्यूशन को रिकवर करने में, फिर से रिवाइव करने में, रिसेटल करने में केबीआईसी ने कंट्रीब्यूट किया है। केबीआईसी 1956 में बना था। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एनसीएवीईएस इंडिया फोरम 2021, नकावेस इंडिया फोरम 2021। ये नकावेस क्या है ये देखते हैं। ये ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जो एनएसओबी इसी के अंडर काम करता है, जो WPI और CPI पे डाटा लाता है। आपको याद होगा CSO और NSSO को मर्ज करके NSO बना दिया गया है केवल। सो एनकेप्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करने वाला एक फोरम है, जो काफी वाइड रेंजिंग टॉपिक्स पर, इकोनॉमिक से रिलेटेड, कंट्री के इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों पे डाटा पब्लिश करता है, एनालाइज करवाता है चीजों को। जो सीनियर मोस्ट इकोनॉमिस्ट हैं उनके एडवाइस लेकर के रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, ये सब काम है इसका। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। साई टू इंगेज स्पेशलाइज्ड मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ नकोइस एंड अपग्रेड इट्स। साई का पूरा नाम क्या है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में इसे हम कहते हैं साई। काफी एक्टिव है साई आजकल, कोई डाउट नहीं है इसमें।
साई बना कब था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब फॉर्म किया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। और हर एक चीज एक ही टाइम पे नहीं हो सकता, कुछ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। प्रगति, पीएम इंटरैक्ट डीएम, ये है प्रगति। करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी रैली को पीएम ने एड्रेस किया है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। कैबिनेट अप्रूव्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ कोपरा फॉर 2021 सीजन। कोपरा, ये नारियल वाला कोपरा, कोकोनट, कैबिनेट ने अप्रूव किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और कौन कौन से प्राइस को कैबिनेट अप्रूव करता है ये भी आप याद रखें। राइस, पल्स, इन सब का एफसीआई खुद करता है, या तो कैबिनेट कमेटी होता है उसपे, इकोनॉमिक अफेयर, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर बोलते हैं आप। अप्रैल से नवंबर के बीच में 2020 में, यानी सिंपली कहा जाए तो पिछले 8 महीने में, जनवरी से पिछले 8 महीने में, 8 या 10 महीने में टोटल इनफ्लो था $58 बिलियन का एफडीआई का। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, एनआईसीएसआई, अभी बताया था आपको 25th बर्थडे मना रहा था, सिल्वर जुबली माइटी के अंदर आता है ये। 12,351 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज के लिए रिलीज किया गया है, यानी ये बजट में प्रावधान रहा होगा इतना। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम, हर्षवर्धन साहब ने 4th फ्यूचर इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट फोरम को एड्रेस किया था जनवरी 2021 में। अब हेल्थ मिनिस्टर अगर जा रहे हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन हेल्थ से रहा होगा। COVID-19 और जो एवियन इन्फ्लुएंजा था, इन सब के बारे में डिस्कशन हुआ रहा होगा। कोविशील्ड इंडिया ने सऊदी अरबिया को सप्लाई किया था सबसे पहले। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की भी इसमें बात हुई है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस अब पब्लिश करना इस साल से। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, इंडिया ने एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के साथ। क्या है इसमें ऐसा, एक नजर डालते हैं इस पर। कंटेंट्स ऑफ अ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विल बी ज्वाइंटली डिसाइडेड बाई द IEA मेंबर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड इंडिया, including a phased increase in benefits and responsibility in India as an IEA strategic partner and building on existing area of work within association and clean energy transition program setup CETP IEA ka ek initiative hai jiske partner ke form mein ab India bhi shamil ho gaya hai। IEA कब एस्टेब्लिश हुआ था ये भी आपको याद रहना चाहिए। अगले आर्टिकल को देखते हैं, सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल किरण रिजिजू ने मनाया था केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट के साथ। कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन योगा, ये केंद्रीय विद्यालय के ये योगा और इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं, आत्मनिर्भर भारत जो बार बार सुनने में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर तो पूरा रिसर्च करके रखें आप। 26 जनवरी के न्यूज को देखते हैं, प्रधानमंत्री ने ग्रीट किया था नेशन को और प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया था नेशन को। सो इसी दिन बाकी चीजें भी अनाउंस की जाती है, लाइक ये जो जितने भी अवार्ड्स वगैरह हैं। फैमिली प्लानिंग 2020, फैमिली प्लानिंग 2020 एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अब तक जो अचीव हुआ है इसे सेलिब्रेट किया गया था। फैमिली प्लानिंग 2020, हर्षवर्धन, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अंडमान और निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिक बस वहां पे चलाया था, इनॉग्रेट किया, उन्होंने किया था पोल्यूशन कर्व करने के लिए। तो आपको अगर लगता हो कि यार अंडमान में कहां से इलेक्ट्रिक बस आएगा, तो गलतफहमी में है आप। भारत पर्व 2021 लोकसभा स्पीकर ने इनॉग्रेट किया है,
ये तीन ही लोग हैं एक्टिव, या तो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जहां नहीं पहुंच सके वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जहां नहीं पहुंच सके लोकसभा स्पीकर, बाकी कोई और नहीं आता है नजर सीन में। तो इन तीनों पर नजर आपकी रहे, भारत पर्व, प्रवासी भारतीय दिवस। भारत पर्व 2021 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं, 25 जनवरी के आर्टिकल को देखते हैं। नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेशन को प्रेसिडेंट ने वर्चुअली ग्रीट की ग्रेस किया था। ये मनाया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी को ही अपना इलेक्शन कमीशन बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, पद्म अवार्ड, पद्म भूषण सारे कुछ मिलेंगे इसी दिन। प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट, मरीन टर्टल कंजर्वेशन के बाद एनवायरमेंट के लिए ये आर्टिकल, क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ देगा कहां हुआ था। ये लीडरशिप इंडिया का नहीं था, बट मार्क रूट, आप बता सकते हैं ये मार्क रूट कहां के प्राइम मिनिस्टर थे या हैं उस टाइम पे? मार्क रूट के साथ प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 को एड्रेस किया था। ऑब्वियसली वर्चुअली किया होगा, यहां आप देख सकते हैं पीएम मोदी एड्रेस एट क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021। और जब भी ये जाएंगे तो ये आयुर्वेदा वगैरह को तो लाने में पीछे नहीं रहेंगे, देखिए यहां मेंशनड है। अच्छा, कुछ और चीजें हैं, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर DRI जो लास्ट ईयर इंडिया ने शुरू किया था, इंडिया ने शुरू किया है इनिशिएटिव DRI, उसमें इनवाइट किया प्रधानमंत्री ने सबको। ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन टू वर्क विद CDRI, प्रधानमंत्री ने बोला सबको कि मिलके करेंगे ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन, इनवाइट किया सबको। IESA तो है ही इंडिया का ट्रेडमार्क, एंड कोलिजन फॉर डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ये तमाम जितने भी दिख रहे हैं आपको इंस्टीट्यूशन, CDRI, ग्लोबल कमीशन ऑन एडेप्टेशन, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर DRI, ये सबके सब इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट जो कमिटमेंट किए गए थे वो इस तरीके से हैं, 450 गीगावाट टारगेट किया गया है 2030 तक, 38 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कर्व किया जाएगा, 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर किया जाएगा 2030 तक, 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड को क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करवाया जा रहा है LPG के फॉर्म में, और 64 मिलियन हाउस होल्ड को हर घर जल के तहत पाइप वाटर दिया जा रहा है। ये सारी बातें कहां हुई थी? ये सारी बातें हुई थी क्लाइमेट एडेप्टेशन समिट 2021 में। ये कहां हुआ था ये आप सर्च करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस कंट्री ने होस्ट किया था। आपको याद हो जाएगा मिनिस्टर हैं वहां के मार्क रूट, जिनके चेयरमैनशिप में ये चीज स्टार्ट किया गया था। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, आयुष संवाद कैंपेन। आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक कैंपेन चलाया है आयुष संवाद, माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आयुर्वेदा पर बेस्ड है और कोविड पैंडेमिक जब अपनी चरम सीमा पर था तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि न्यू दिल्ली में है, जैसे एम्स न्यू दिल्ली में है वैसे ही आईया भी न्यू दिल्ली में है, AIIA आईया, ये आयुष के अंदर काम करता है, आयुर्वेद का है ऑब्वियसली। तो इन्होंने कैंपेन चलाया है आयुष संवाद, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेशनल वोटर्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जनवरी को मनाया जाता है।
नेशनल वोटर्स डे, और 24 जनवरी को बालिका दिवस नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो ये सारी चीजें आपको याद रहे। डेट यूपीपीसीएस का बहुत फेमस है। थीम जो है इस साल का वो था मेकिंग आवर वोट्स एम्पावर्ड, मेकिंग आवर वोट्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। आपको इसमें से एक टर्म भी याद रह गया, इवन इतना याद रह जाए मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, बाकी का आप कर लेंगे। इस बार का थीम है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड। 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आर्टिकल में सारे गैलेंट्री अवार्ड और जो भी अवार्ड दिए गए हैं इन सब की बातें की गई है। आकाश एनजी मिसाइल का मेडन टेस्ट लॉन्च किया गया था, मॉडिफाई किया गया आकाश को। सीधी सी बात है, यूज तो हो नहीं रहा है तो टाइम के साथ मॉडिफिकेशन तो कम से कम हो। एजुकेशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है एग्री फूड टेकऑथन आईआईटी खड़गपुर में, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए। चेन्नई बेच ऑफ एनसीएलटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल कंपनी लॉ एट लॉ एपिलेटेड टर्मिनल ट्रिब्यूनल का सेकेंड बेंच। फर्स्ट बेंच दिल्ली में है, केवल और केवल दो बेंच है अभी इसके। सेकेंड बेंच दिल्ली को प्रिंसिपल बेंच कहा जाएगा। इनक्लैट का सेकेंड बेंच निर्मला सीतारमन ने चेन्नई में इनॉग्रेट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अनाउंस तो और भी किए गए हैं, 5 नए बेंच किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें और कुछ अगर आपको चाहिए तो आप देख लीजिएगा, इनक्लैट है क्या, इसका काम क्या है, कंपनीज को कैसे ये लाइन पे लाता है, गलत काम करने से बचाता है। ICMR NCDIR का डिकेडल ईयर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा था, डिकेडल ईयर ऑफ ICMR NCDIR। NCDIR और ICMR दोनों का 10वां वर्षगांठ मनाया गया था। ऐसा नहीं है कि ICMR 10 साल पहले बना था। एक और है NNMS, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे एंड फ्रेमवर्क फॉर टेलीमेडिसिन यूज इन मैनेजमेंट ऑफ कैंसर डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक इन इंडिया। ये एक डाटा रिलीज किया गया है इस नाम से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। ये ICMR का जो ब्रांच है NCDIR, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च, ये बेंगलोर में है। NCDIR ICMR का एक ब्रांच है, एक एफिलिएटेड बॉडी है जो बेंगलोर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। पद्म अवार्ड अनाउंस कर दिया गया है, और आप सबको याद होगा पद्म विभूषण जो है इस बार 3 लोगों को दिया गया है, मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है पद्म विभूषण अवार्ड, मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। बहुत सारी बार ये रिपीट हो चुके हैं चीजें, मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद होगा, फिर भी आप एक नजर डालना चाहते हैं तो आइए एक नजर डालते हैं। पद्म विभूषण किनको मिला, पद्मश्री तो बहुत लोगों को मिल जाता है, तो देखते हैं पद्म विभूषण। ओ एक मिस्टेक है, वो ये है कि भारत रत्न केवल 3 लोगों को दिया जा सकता है मैक्सिमम, पद्म विभूषण इस बार 7 लोगों को मिला है। 7 पद्म विभूषण टोटल 119 दिए गए हैं, टोटल 119 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड, तो टोटल हो गए 119। 29 उसमें से वुमेन है और 10 उसमें से फॉरेन के रहने वाले हैं, 16 उसमें से उनको डेथ के बाद मिला है, और एक ट्रांसजेंडर अवार्डी है, ये इंपॉर्टेंट है, एक ट्रांसजेंडर अवार्डी है, उनको पद्म अवार्ड मिला है इस बार। पद्म विभूषण की बात करें, सिंजो अबे को मिला है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, एसपी बाला सुब्रमण्यम को मिला है, म्यूजिशियन थे ये, वेले मुनप्पे हेगड़े, बीएम हेगड़े को मिला है, कर्नाटका में मेडिसिन के लिए जाने जाते हैं, नरेंद्र सिंह कैपेनी को मिला है, ये यूएसए के रहने वाले हैं, नाम से लगेगा आपको इंडिया के हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह कपानी साइंस एंड इंजीनियरिंग में इनका कंट्रीब्यूशन है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं, ओरिजिन भले ही इंडिया रहा होगा। मौलाना वहीदुद्दीन खान इंपॉर्टेंट नाम है, स्पिरिचुअलिज्म दिल्ली के रहने वाले हैं, बीबी लाल आर्कियोलॉजी के लिए दिया गया है, दिल्ली के रहने वाले हैं, सुदर्शन साहू
कौन नहीं जानता इनको, आर्ट आर्ट के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं कंट्री के, उड़ीसा के रहने वाले हैं। तो ये सात नाम थे, याद कर लीजिए बेहतर है। मिलेंगे अगले आर्टिकल में।